أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران تریکوت بندہ ناچیز خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف درجہ بہ درجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے جہاں جہاں تک وہاں وہاں تک سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان محترم आज चार दिन के बाद फिर यहाँ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। चार दिन की छुट्टी के बाद निकम्मे ही आदमी ने अपने बहुत ही करीबी रिश्तेदार मतलब अपने दामाद के घर बेटी के ससुराल वालों के घर शादी थी, शादी पर मुजफ्फराबाद जाना पड़ा और ये जो 9 अप्रैल का दिन है ये उसी की वजह से मतलब आपको कोई पैगाम या कोई शनाई या सुनने के लिए या समझाने के लिए या कोई भी बात आप तक ना पहुंच सकी। अब बात यह है, बात को बढ़ाते नहीं हैं, वहाँ जितने भी हैं मतवला आसफ हो गया, इफ्ताब हो गया, उसके वाले साहब हो गए, मनीर साहब हो गए, तनवीर साहब हो गए, भाई फरीद हो गए, उन्होंने माशाल्लाह 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 उन्होंने बड़ी मोहब्बत फरमाई, बहुत मोहब्बत फरमाई और बड़ी इज्जत की और बड़ी खिदमत भी की। वो आने नहीं दे रहे थे, ज़बरदस्ती उनसे इजाज़त ली और भाई फरीद ने माशाल्लाह माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर से कागज़ भी जमा करवा दिए हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह ताला हर दुख हर तकलीफ से अल्लाह ताला उनको उनके घर वालों को अहले खाना को और पूरी बिरादरी को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और जितने भी दोस्त हमें याद करते हैं या देखते हैं अल्लाह ताला सबके दुख दूर फरमाए, तकलीफें दूर फरमाए, अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए। जिस जिस का जो जो काम, जो जो मोहब्बत, जो जो उसकी चाहत है अगर कहीं रुकी हुई है अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक की सदके उनकी तकलीफ़ें मुसीबतें परेशानियां उनकी ख्वाहिशात अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा के उनको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाई। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो सियासत है और पाकिस्तान के जो अदारे हैं, हाँ जितने भी अदारे हैं, छोटा है बड़ा है और बड़ा है और बड़ा सबसे बड़ा है, जितने भी अदारे हैं ये सब माफिया ने घेर के रखे हुए हैं, घेर घेर के घेर घेर के घेर कर रखे हुए हैं। है माफिया ये चाहता है कि नैब खत्म हो जाए, नैब खत्म हो जाए। नैब तो नहीं खत्म होता, हालात और वाकयात और असार और हवाएं फजाएं और माहौल और तासीर ये बताती है कि नैब नहीं खत्म होगा, माफिया खत्म हो जाएगा, माफिया खत्म हो जाएगा। माफिया जो है उसके ऊपर बड़े 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 बहुत बड़े बड़े शेर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बाशीनाग बैठे हुए हैं माफिया के ऊपर। हा सही है, कुंडल मार के हैं, कुंडल मार के ऊपर बैठे हुए हैं।
उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, हैं? और बहुत ज्यादा अपनी हर चीज हैं भर कर रखी हुई है, इतना कुछ खाने पीने के बावजूद, इतनी ठगी बची करने के बावजूद हैं, ये माफिया अभी भी नहीं रजा और ना ही ये रजेगा। पर ये बात आपको मैं बता दूं, हवाएं ये बताती हैं, ये सदा लगाती हैं कि नैब नहीं खत्म होगा, ना 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 ना, ये माफिया खत्म हो जाएगा। इसकी जो पूछल है, इसकी पूछल के ऊपर पैर रखना पड़ेगा और पूछल वलनी पड़ेगी। और मैं 2 मई 1996 को मैंने ये बात कही थी, 2 मई 1996 को इमरान खान अनग्रामी सरबराह बनेगा, उसके आखिर पर ये चीज भी थी, उसके आखिर पर भी ये चीज थी, ये मुल्क और मुल्क की अवाम एक बड़े सांप के मुंह में, बड़े सांप के मुंह में हैं। इमरान खान इस बड़े सांप के टुकड़े 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 कर देगा, वो यही माफिया है। और माफिया आप नैब के टुकड़े टुकड़े करने पर करने को जुड़ा हुआ है। सिर्फ नैब एक वजह से, एक वजह वो माफिया नहीं खत्म कर सकता ना। अल्लाह ताला ने ये जो बात बता रहा हूं इसको समझने की कोशिश करना, अल्लाह ताला ने तमाम कामों का दार मदार नियत के अंदर रख दिया है। आज जैसी नियत ऐसी मराद, जितना तुम जितनी तुम मेहनत करोगे अल्लाह इतना तुम्हें फल देगा। और मैंने तमाम कामों का दार मदार नियत पर रख दिया है। और जो नैब के चेयरमैन हैं और नैब के अंदर कुछ अफसरान ऐसे हैं उनकी इतनी मेहनत, इतनी काबिशें हैं, इतने उनके सितारे और इतनी उनको दुआएं हैं और इतनी उनके ऊपर रजा है, रजाए अलाई है, कुछ अफसर ऐसे हैं उनकी बदौलत नैप नहीं खत्म हो सकता। और जो चेयरमैन नैप हैं, जावेद इकबाल साहब, उनको बड़ी दुआएं, बड़ी दुआएं, बहुत दुआएं, अल्लाह 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 अल्लाह, बेसाबी दुआएं।